नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। पुरानी कहावत है, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। हाँ, कई हद तक तो ये सच है, लेकिन हमारे और आपके लिए शायद सही है। पर बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो उनकी जोड़ियां न जाने कितनी बार टूटती हैं, बनती हैं और इन जोड़ियों में नए नए नाम जुड़ते चले जाते हैं। प्यार एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है। यहाँ ये कहावत बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ स्टार्स अपनी जोड़ियाँ ढूंढते ही रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन शादियाँ की हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले संजय दत्त की कहानी से, क्योंकि संजू चर्चा में है। तो ऐसे में सबसे पहले तीन शादियों की कहानी संजय से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले संजय दत्त ने प्यार में दीवाने होकर 1987 में ऋचा शर्मा से शादी की, लेकिन ऋचा को ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से उनकी मौत हो गई। दूसरी शादी 1997 में उन्होंने रिया पिल्ले से की, जिनका अफेयर लैंडर पेस से चलने की खबरें आईं और 2005 तक इनका तलाक हो गया। फाइनली इन्होंने तीसरी शादी मान्यता दत्त से की और उनके दो बच्चे हैं, जिनके साथ अब संजय अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। दूसरा नाम सैफ अली खान। सैफ अली खान ने दो शादियां की, जिसमें से पहली शादी अपनी उम्र से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से की, पर ये शादी टिक नहीं पाई और शादी के 13 सालों बाद इनका तलाक हो गया। फिर साल 2012 में सैफ ने करीना से शादी कर ली। सैफ के प्यारे बेटे तैमूर अली खान अक्सर मीडिया की खबरों में शुमार मिलते हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान से सैफ मिलते जुलते रहते हैं। तीसरा नाम है आमिर खान। आमिर खान ने भी बॉलीवुड में कदम रखने से पहले रीना से शादी की थी और दोनों के दो बच्चे भी हैं, पर कुछ वक्त बाद आमिर का रीना से तलाक हो गया। उसके बाद आमिर ने किरण राव से शादी कर ली। वहीं आमिर अपने बच्चों के साथ अक्सर स्पॉट किए जाते हैं। राज कुंद्रा की बात। शिल्पा शेट्टी ने इंडस्ट्रियलिस्ट राज कुंद्रा से शादी की। राज की पहली शादी कविता से हुई। सोर्सेस की माने तो ऐसे रूमर्स थे कि राज की शादी शिल्पा की वजह से टूटी। फिलहाल राज शिल्पा के साथ काफी खुश हैं और उनका एक प्यारा सा बेटा विवान है। सिद्धार्थ रॉय कपूर। सिद्धार्थ रॉय कपूर की शादी विद्या बालन से हुई। विद्या बालन ने UTV के CEO सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की। विद्या से पहले सिद्धार्थ रॉय ने दो शादियां और की थीं। उनकी पहली बीवी उनकी बचपन की फ्रेंड थी, जिनका नाम था आरती बजाज। अपनी पहली शादी टूटने के बाद सिद्धार्थ ने दूसरी बीवी टीवी प्रोड्यूसर कविता से की और फिर ये शादी भी जल्दी टूट गई। इसके बाद उनकी मुलाकात विद्या से हुई, जिनके साथ उन्होंने साल 2012 में शादी की थी। अब बात करण सिंह ग्रोवर की। करण सिंह ग्रोवर ने पहली शादी 2008 में श्रद्धा निगम से की। इसके बाद इन दोनों ने 2009 में तलाक ले लिया। इसके बाद करण ने दूसरी शादी जेनिफर विंगेट से साल 2012 में की और 2014 आते आते दोनों ने तलाक ले लिया। और अब करण ने बिपाशा बासु से शादी कर ली, यानी कि इनकी भी तीसरी शादी है। महेश भूपति। अब बात महेश भूपति की। हालांकि महेश भूपति बॉलीवुड के तो नहीं है, लेकिन शादी बॉलीवुड एक्टर लारा दत्ता से की। इससे पहले वो मॉडल श्वेता जयकिशन के साथ पहले से शादीशुदा थे। और अब बात अदनान सामी की। कभी अपने ओवरवेट को लेकर चर्चा में रहने वाले अदनान अब बिल्कुल फिट हो चुके हैं और हाल ही में उन्होंने भारत की नागरिकता भी ले ली। पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी की भी तीन शादियां हो चुकी हैं। अदनान ने पहली शादी फिल्म हिना की लीड एक्ट्रेस जेबा बख्तियार से की थी। जेबा से शादी टूटने के बाद अदनान ने दुबई की सबा से शादी की, जो जल्द ही टूट गई। और आखिर में अदनान ने रोया फरियाबी से शादी की, जो अब उनके साथ हैं। तो भाई, ये वो स्टार हैं जो बेहद हिम्मती हैं। वाकई किसी की एक शादी की हिम्मत नहीं होती। और इन स्टार्स को देखिए, तीन तीन शादियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहे फिल्मी बीट।